आज की इस वीडियो में हम भाई एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सीखेंगे पीवीसी पाइप से। और एक्सटेंशन बोर्ड भी ऐसा होगा, कोई सिंपल एक्सटेंशन बोर्ड नहीं है दोस्तों, स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड आप उसको बोल सकते हो। उसके अंदर हम एक ऐसा मीटर लगाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का लोड या एम्पेयर वाट सब कुछ दिखाएगा। एक तो ये मीटर है और साथ में दोस्तों ये एक सॉकेट हम इसमें फिट करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले दोस्तों हमने इसके साइज के हिसाब से इसको कट कर लेना है। पीवीसी पाइप को कट कर लेते हैं हम पहले। अब इस पाइप को हमने शेप देनी है एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए, इसको थोड़ा डाउन करना पड़ेगा और ये ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा। तो इसके लिए हम हॉट गन का यूज करेंगे और इस एयर हॉट गन के द्वारा हम इसको गर्म हवा मार मार के भाई इसने सीधा बना देंगे लौंडे को इसको। ये दोस्तों सीट बना ली है। अब इसमें हम इस मीटर का डायमीटर लेके इसकी कटिंग कर लेते हैं और ये हमने कि इसमें सॉकेट लगाना है। ये देखो दोस्तों मीटर और सॉकेट तो बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट आ गया दोस्तों। इसमें अच्छी फिटिंग आ गई है दोनों की, मीटर भी सही आ गया है और ये सॉकेट भी फिट आ गया बढ़िया डाट। तो दोस्तों अब हमने इसमें ये दोनों को बाहर निकाल देंगे एक बार, और इसके बाद फिर इसकी हमने सीट साइड में से दोनों तरफ से खाली है, दोनों तरफ का इसका कवर बनाने के लिए हम पीवीसी सीट का ही यूज़ करेंगे और दोनों साइड को के टुकड़ों को कट कर लेंगे हम दोस्तों। कटर की मदद से या कैंची की मदद से कर लेते हैं दोस्तों दोनों को कट करके। फिर इन दोनों को हम साइड पे एलपी के द्वारा दोनों साइड से इसको चिपका देंगे कुछ इस तरह से दोस्तों। आप कुछ और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो चिपकाने के लिए। और इन दोनों को चिपकाने के लिए दोस्तों इसको एक बार फिनिशिंग भी देनी है दोस्तों, और एक बार से इसको फिनिश कर लेंगे दोनों साइड से। जो थोड़ा बहुत ज़्यादा टुकड़ा थोड़ा बहुत इसके नीचे बाहर निकला हुआ वो साफ़ हो जाएगा। और दोस्तों अब इसको हम पेंट कर लेंगे बढ़िया डाल। तो मैं पहले ब्लैक पेंट करूँगा इसके ऊपर और फिर येलो कलर का पेंट करूँगा दोस्तों, थोड़ा और अच्छी शाइनिंग आ जाएगी इसके अंदर। तो ब्लैक पेंट मैंने कर लिया है और अब इसके ऊपर मैं ब्लैक पेंट करने के बाद येलो पेंट करूँगा और इसको फिर थोड़ी देर के लिए कुछ टाइम के लिए सुखा देंगे दोस्तों। और सूखने के बाद फिर इसमें मीटर और सॉकेट दोनों को फिट करेंगे दोस्तों, और दोनों की वायरिंग कैसे होगी दोस्तों ये अगली वीडियो में बताएंगे। अब येलो पेंट करने के बाद एक बार दोस्तों इसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद फिर इसमें हम दोनों चीज़ को सॉकेट को और उसको सेट करके और वायरिंग करके फिर इसका टेस्ट करके दिखाएंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहो और जब तक दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में क्योंकि सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है और फिर टाइम भी ज़्यादा लग जाता है दोस्तों एडिटिंग वगैरह करने में, आप जानते ही होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों एक्सटेंशन बोर्ड हमारा पेंट हो चुका है, पेंट किया था ये सूख गया है। अब इसमें हम फिटिंग करेंगे मीटर की और जो इसमें सॉकेट लगाना है सॉकेट की। सॉकेट पे दो वायर दोस्तों हमने ये लगा लिए, सॉकेट पे दो वायर ये लगा लिए दोस्तों। ये मीटर में आउटपुट में लगेंगी जहाँ पर हम लोड चेक करने के लिए इसमें जो वायर लगाएंगे इसके अंदर यहाँ पर लोड चेक होएगा। और ये दोस्तों हमारा मीटर है जो इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे हमारा मीटर फिट आएगा और इसकी इनपुट आउटपुट है दोस्तों। कनेक्शन कैसे होंगे इस पर नीचे जैक दे रखा है, तीन और चार में दोस्तों इनपुट होएगी और एक और चार इसकी आउटपुट होएगी। आउटपुट जो ये वाली वायर हमने इसमें एक और चार में जोड़नी है और तीन और चार में दोस्तों इनपुट जोड़नी है जो हमारी मेन बनेगी। तो ये दो वायर ले लेते हैं हम इनपुट की और इसके अंदर डाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने एक इसमें यहाँ पे सुराख कर रखा है और ये बड़े काम की चीज बन जाएगी दोस्तों। आप इसको एक्सटेंशन बोर्ड में भी यूज कर सकते हो और दोस्तों साथ में आप इसको किसी चीज का लोड चेक करना है भाई घर में हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे पंखा है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, हमने ये देखना भाई कितनी लाइट वो खाते हैं, कितनी मतलब वाट कितना एम्पीयर का लोड वो लेते हैं, तो सब हम इससे चेक कर सकते हैं दोस्तों। और ये गैंट लगा लिया भाई ताकि वायर खींचे ना और इससे निकल ना जाए, मीटर से बाहर ना निकल जाए। और इसको एलफी से चिपका लेंगे, थोड़ा हलूज है, थोड़ा सा लूज हल्का सा, इसको एलफी से चिपका लेंगे दोस्तों। और अब हमने इसके कनेक्शन करने हैं।
तो दोस्तों ये तो हो गए इनपुट का, और इसमें साथ में आउटपुट का हमने एक जोड़ना था दोस्तों, एक और चार आउटपुट की थी, तो एक तार हम इसकी स्विच की पकड़ लेंगे और एक तार दोस्तों हम इनपुट की, ये इकट्ठी लगेंगे दोनों, ये चार नंबर में लगेंगे दोस्तों। ये चार नंबर में लग गई दोस्तों, और हमारी एक इनपुट बच गई है, ये हमारी तीन नंबर में लगेगी, और एक हमारी आउटपुट बच गई है, वो एक नंबर में लगेगी दोस्तों। दो नंबर पिन इसकी खाली रहेगी। और ये एक आउटपुट की बच गई है दोस्तों, ये हमारी एक नंबर में लगेगी। ये कुछ इस तरह कनेक्शन होएंगे दोस्तों, ये देखो ये आउटपुट की दो तार हैं, आउटपुट की एक तार हमें चार नंबर में लगानी है इनपुट के साथ, और इनपुट की तीन और चार में लगेगी, और आउटपुट की एक हमारी एक नंबर में लगेगी। तो अब इसको हम फिट कर देते हैं दोस्तों मीटर को। हमारा एक्सटेंशन स्मार्ट बोर्ड बन के तैयार हो गया दोस्तों, और इसका यूज हमें अपने घर के किसी भी प्रोडक्ट का लोड देखने के लिए, चेक करने के लिए भाई कुछ भाई दोस्तों, इस तरह का हमारा मीटर बन के तैयार हो गया। अब हम इसको एसी 220 दे के देख लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसमें पावर वायरिंग ठीक ठाक से हो गया नहीं। तो ये हमारे पास बोर्ड है जो अभी ऑन है, 220 एसी सप्लाई इसमें अभी चालू है। तो एक बार हम दोनों वायर इसकी इसके अंदर लगा के एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों हमारा मीटर ऑन हो चुका है, और अभी वोल्टेज ये दिखा रहा है भाई 246 वोल्ट आ रही है। अभी कोई लोड नहीं है दोस्तों, खाली वोल्टेज दिखाएगा, इनपुट वोल्टेज ही है, क्योंकि लोड पड़ेगा तब ये वाट और एम्पियर तब दिखाएगा। तो इस पर लोड चलाने के लिए दोस्तों हम एक आयरन चला देते हैं, ये अपना 60 वाट का आयरन है। तो थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, और ये लोड यहाँ पे लगेगी दोस्तों, ये आउटपुट है, यहाँ पे लगाना है जो भी जिस चीज का हमने लोड चेक करना है। तो ये दोस्तों देखो ये ऑन हो गया है। तो भाई हमारा ये वैसे 60 वाट का आयरन बोलते हैं इसको, लेकिन ये वाट ले रहा है अभी 0.22 एम्पियर और 52.84 के करीब ये वाट ले रहा है दोस्तों। ये देखो मीटर में पास करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा 52-53 वाट ले रहा है, और दोस्तों आधा एम्पियर भी नहीं ले रहा पूरा। तो ये हमारा इतना ये लाइट कंजप्शन करता है, तो इसलिए मैं इसको कह रहा था भाई ये स्मार्ट बोर्ड हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अब इसमें कोई भी चीज चलाऊंगे कुछ भी इसमें, तो इस साथ के साथ इसका लोड और एम्पियर वाट सब कुछ बताएगा दोस्तों। अब हम इसमें 100 वाट का बल्ब चढ़ा के देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों 100 वाट का बल्ब मैंने जला दिया है, इसने दिखाई है अब 91 वाट ले रहा हमारा बल्ब भाई, 91 वाट के करीब हमारा बल्ब ये लाइट कंजप्शन कर रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा स्मार्ट बोर्ड, एक्सटेंशन स्मार्ट बोर्ड, ये भी आप घर पर बना सकते हो आसानी से। और भाई ये मीटर का प्राइस कम से कम ये 1650 रुपए का अमेजोन से मंगवाया है, और ये मेरे पास पड़ा था, और पीवीसी पाइप ये आपके सामने बनाई है, कैसे बना के सीट काट के तैयार किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, बहुत मेहनत हुआ, लाइक एंड शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।